हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि गार्डन की शुरुआत करते हैं लेकिन उन्हें ये कुछ चीज़ें पता नहीं होती बेसिक, जैसे कि पॉट है अगर हमारे पास ही तो हमें इसको चेंज करना है तो कैसे करें, या इसमें कोई और प्लांट रिप्लेस करना है तो कैसे करें। तो आप सिंपल एक काम करें, ये ऐसे आपका पॉट है, आप इसको उठाएँ ऐसे, और क्योंकि आपको पॉट अगर लगाना नहीं है तो आप सीधा ऐसे फेंक दें, अगर आपको कहीं लगाना है तो आप आराम से इसको ऐसे करते जाएं, तो देखिए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और जब वो ऐसे निकल जाएगा तो क्योंकि अब मुझे पॉट लगाना नहीं है क्योंकि सीजनल था, तो अभी इसका टाइम हो गया है, बाद में अब इसको फिर से लगाएंगे, तो फिर आप इसको सिंपल क्योंकि आपको मिट्टी भी चाहिए होगी ऐसे फेंकें, ऐसे करते जाएँ और इसका धीरे धीरे करके ऐसे मिट्टी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अपना ऐसा ही निकल जाएगा, उसके बाद आप इसको अपनी जगह फेंक दें और इस सैंड को जो दोबारा है इससे ये सब जो जड़ें हैं निकाल लें। देखिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा मिट्टी है तो आप इस मिट्टी को सूखने के लिए रख दें, है ना, ताकि इसका जो भी जड़ें अड़े हैं ये सब मर जाएंगी, सूख जाएंगी, और उसमें आप दूसरा जो एक पॉट है जो आप पॉट देख रहे हैं इसमें फ्रेश मिट्टी भर के आप दूसरा प्लांट लगा दें, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा मिट्टी की कमी थी, बट ठीक है अभी ताज़ा लगाया था कुछ टाइम पहले तो इतना कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, तो और मुझे जो इसमें लगाना है पौधा वो लगाना है रात रानी, तो ठीक है मेरे हिसाब से मैं लगा सकता हूँ। तो बस मैं जो जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर गमले में होल है तो आप उस होल में पहले कुछ लगा दें, तो बस मैंने ये ऑलरेडी एक रख दिया है ना, तो इससे आपका क्या होगा कि वो बचा रहेगा, आपका जो गमले का छेद है वो छुपेगा नहीं और पानी का ड्रेनेज होता रहेगा। उसके बाद आप इसको ऐसे करें, भर दें, ठीक है ना, और बीच बीच से जड़ें निकालते हैं। लेकिन अब देखिए मैंने इतना ही भरा है, इसमें एक ट्रिक है, क्योंकि आप जो पौधा आप नर्सरी से लाएंगे, देखिए माना ये पौधा नर्सरी से लाए, रात रानी का पौधा है अगर आप देख रहे होंगे, ठीक, इसके लिए अब आप कहेंगे यार ये गमला छोटा नहीं है क्या, हाँ छोटा है क्योंकि अभी मेरे पास यही पॉट अवेलेबल है, तो इसके लिए बड़ा गमला हम यूज़ करेंगे बाद में, तो पॉट फिर से रिप्लेस कर देंगे जब तक इस गमले के लायक होगा आराम से, क्योंकि पॉट आराम से रिप्लेस हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। तो बस आप इसको जैसे आप निकाल लिए आप इसको सिंपल ऐसे रख दें, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको वो कर दें, और जब आपने ऐसे रख दिया अब आप ऊपर से फिर से ये मिट्टी डाल दें चारों तरफ से, ये देखिए। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें भरे हुए पॉट में भी गमले फूल लगाना है जैसे अभी हो गया, आप एक काम करें चाहे तो कुछ फ्रेश खाद भी डाल सकते हैं, तो ये मैंने फ्रेश खाद लिया और ऐसे ही भर, कोई बात नहीं, ये फ्रेश खाद लिया और मैंने ये देखो इसमें डाल दिया फ्रेश खाद, तो बस अभी लग गया लो प्लांट। तो इतना सा प्रोसेस है दोस्तों, हम ख्याल रखेंगे तो आराम से हो जाता है और कोई भी रिपोर्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए यही ट्रिक थी दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि यार मेहनत काफ़ी करता हूँ और आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा गार्डन के बारे में, और मैं आपको देता हूँ आपकी अपने गार्डन की एक झलक। ये है मेरा गार्डन और जो मैंने धीरे धीरे करके डेवलप किया है, तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर डेवलप हो गया, और ये मेरे बहुत सारे दोस्त डेली आते हैं खाने के लिए, तो नज़ारे अलग होते हैं, छोटी छोटी सी मेहनत बहुत बड़ा रंग लाती है, बस आप करते रहें और उसके बाद आप भी एक अपना ऐसा गार्डन बना लेंगे जहां आपको बहुत पीस मिलेगी, सुकून मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।